हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने वाले हैं, क्या बर्थ मार्क्स डेंजरस हैं? क्या वो रियली कोई मेजर इलनेस या डिजीज कॉज कर सकते हैं या नहीं? शॉर्ट में है कि मोस्ट बर्थ मार्क्स आर वेरी सेफ, उनसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर मोल्स। मोल्स को आपको केयरफुली हैंडल करना चाहिए कि मोल्स कभी ना कभी कैंसर का रूप ले सकते हैं, लाइक मेलानोमा। हमने जैसे पहले बताया था कि हमारे जो बर्थ मार्क्स हैं दो तरह के होते हैं, वेस्कुलर और पिगमेंट्री। वेस्कुलर में जो सबसे कॉमन हमको मिलते हैं वो हमको मिलते हैं हेमेंजियोमास, जो नॉर्मली खुद सेटल कर जाते हैं विद टाइम। हमको मिलते हैं सेल्मन पैचेस, सेल्मन पैचेस भी खुद सेटल कर जाते हैं, तो इसलिए कोई ट्रीटमेंट की खास जरूरत नहीं पड़ती है। कंपेयर टू दैट, वेस्कुलर रीजन में एक पोर्ट वाइन स्टेन आता है। पोर्ट वाइन स्टेन को हमें पल्स डाई लेजर से ट्रीट करना पड़ता है और इसको इमिजिएटली कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये विद टाइम बड़ा भी हो जाता है, ज्यादा हाइपर पिगमेंट कर जाता है, स्किन में चेंजेस ला देता है, एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट इट। सो वी शुड ट्रीट इट अर्ली। सो पोर्ट वाइन स्टेन भी अपने आप में कोई और प्रॉब्लम नहीं करता, एक्सेप्ट किया कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है। अगर हम आए पिगमेंट्री लीजन के अंदर, तो पिगमेंट्री लीजन के अंदर जो हमारे पास आते हैं कैफेलॉट स्पॉट्स आते हैं, कभी कभी ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, जिससे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट अदरवाइज अकेले ही अपने आप में काफी सेफ हैं, उनसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है हमको। अदर पिगमेंट्री लीजन जो हमको मिलते हैं कंजनाइटल मेलानोसाइटिक नेवस, दे आर जनरली वेरी सेफ एंड उनसे कोई हमें मेजर हार्म नहीं होता है। एंड थर्ड टाइप इज लाइक मोल्स। मोल्स जो हमारी बॉडी में एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं या बर्थ के बाद प्रेजेंट होते हैं, वो रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी मेलानोमा यानी कैंसर का रूप ले सकते हैं, जो डेडली हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यू मस्ट नो कि कब आपको एक्शन लेने की जरूरत है और कब एक्शन लेने का जरूरत नहीं है फॉर दिस। थैंक यू फ्रेंड्स।